여러분 안녕하십니까? Hello everyone. दोस्तों अगर आप एक BTS आर्मी हैं और BTS की हर एक न्यूज से अपडेटेड रहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कल से एक न्यूज वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि BTS लीडर RM का YouTube अकाउंट हैक हो गया है, जिसके बाद से ग्लोबल आर्मी काफी परेशान है। वहीं आप में से मेरे कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे थे इसकी रियलिटी जानने के लिए, तो दोस्तों आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे BTS कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि जब से BTS मेंबर्स ने अपने टेम्पररी ग्रुप ब्रेक की अनाउंसमेंट की है, जब से BTS किसी न किसी रीजन से लगातार कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि कुछ हेटर्स जानकर BTS से रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सियल न्यूज क्रिएट कर रहे हैं, जिसके बाद कल से अचानक एक न्यूज वायरल होना स्टार्ट हुई कि BTS लीडर RM का YouTube अकाउंट हैक हो गया है, जो काफी हद तक ये न्यूज सच भी थी। यानी जब ग्लोबल आर्मी ने बांगटन टीवी YouTube अकाउंट को चेक किया तो BTS के सेपरेट अकाउंट में से RM के अकाउंट पर एक मॉडल की पिक्चर लगी हुई थी, जिसे देखकर समझा जा सकता था कि किसी ने RM के अकाउंट को हैक करके उस पर किसी मॉडल की पिक्चर लगा दी है। इसके बाद हर तरफ ये गॉसिप स्टार्ट हो गई कि RM के YouTube अकाउंट को हैक कर लिया गया है, इसलिए BTS मेंबर्स के अदर अकाउंट्स भी सेफ नहीं है। इसके साथ ही आर्मी के बीच वी और जेनी की पिक्चर्स की गॉसिप भी इसमें ऐड हो गई और ग्लोबल आर्मी BTS की सेफ्टी को लेकर काफी परेशान दिखी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube पर BTS मेंबर्स के नेम से बने इन अकाउंट्स के आगे टॉपिक लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग है कि ये अकाउंट हाइब लेवल्स या BTS मेंबर्स ने खुद नहीं बनाए हैं। ये अकाउंट्स YouTube ने ही BTS की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अलग कैटेगरी में डिवाइड करके बना दिए हैं। इजी वर्ड्स में कहें तो YouTube ने खुद इन अकाउंट्स को क्रिएट करके सभी मेंबर्स के वर्क को उसमें ऐड कर दिया है, और ये YouTube अकाउंट के ही किसी ग्लिच की वजह से RM के अकाउंट पर एक मॉडल की पिक्चर नजर आ रही थी। यही रीजन है कि हाइव लेवल्स ने RM के इस अकाउंट के हैक होने या इन अकाउंट्स के क्रिएट होने से रिलेटेड कभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की। यहाँ तक कि BTS मेंबर्स आज भी अपनी ब्लॉगिंग वीडियोस बांगटन टीवी अकाउंट पर ही शेयर करते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप इसे BTS का पर्सनल यूट्यूब अकाउंट समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। हालांकि इस अकाउंट के ग्लिच को ठीक कर दिया गया है, लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि आप BTS के इन अकाउंट्स को सीरियसली ना लें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड द मेथो बायो।